हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बच्चों की टोपी बनाना सीखेंगे और ये कैप हम बच्चों के लिए बनाने वाले हैं और फैब्रिक से बनाएंगे, जिससे कि बच्चों को ये पहनने में बहुत ही अच्छी लगेगी और कंफर्टेबल भी लगेगी। ये देखिए, हम इसे पूरा फैब्रिक से बनाने वाले हैं। इससे बच्चों का फेस अच्छे से कवर हो जाता है, फेस भी और नेक भी। इससे बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, ये नेक की तरफ रहेगा ये वाला भाग। और ये देखिए, जो प्लेट डाल रखे हैं हमने, ये बच्चों के फेस के आगे की तरफ रहता है, तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं इसमें बच्चे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कैप बनाना। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने दो तरह के फैब्रिक लिए हैं। एक हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है और एक हमारा ऊपर वाला मेन फैब्रिक होगा। दोनों ही हमने कॉटन के कपड़े लिए हैं। आप भी कॉटन के कपड़े यूज़ में लीजिएगा। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 14 इंच की, यानी कि हमें एक 14 इंच का स्क्वायर कपड़ा कट करना है। दोनों साइड से इसकी चौड़ाई 14 इंच ही होनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसे कट कर लेते हैं। इसी नाप का हमें ऊपर वाला फैब्रिक भी कट कर लेना है। कैप बनाने के लिए आप थोड़ा कपड़ा जो मोटा लीजिएगा, पतला कपड़ा ना ले, क्योंकि हम ये कैप बच्चों के लिए विंटर्स के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ी मोटी होगी तो अच्छी रहेगी, इससे सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है, दोनों कपड़े एक नाप के कट हो गए हैं। अब इस कपड़े को आप इस तरीके से डबल फोल्ड कीजिए और एक साइड इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। किसी भी साइड दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर कपड़ा लिया है। ये देखो, कुछ इस तरीके से लगभग 2 इंच पर हमने गोलाई देनी है, सिर्फ एक साइड से ही। ठीक है, अब ऊपर वाले कपड़े को सीधा कर लीजिए, हमारा उल्टा रखा हुआ है। अब हमें डोरिया कट करनी है, पट्टियाँ कट करनी है बांधने वाली डोरी लगाने के लिए, और पीछे नेक की तरफ भी एक पट्टी लगेगी। तो यहाँ पर हमें 2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है। हम इसमें से 2-3 पट्टियाँ कट कर लेते हैं। ये कैप बनाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ में ले सकते हो, छोटा बड़ा, ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगता है इसमें। देखिए, पीछे नेक की तरफ हम 12.5 इंच की पट्टी लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 12.5 इंच की कट कर लेते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब ये जो बाकी पट्टियाँ हैं हमारे पास, इनको हम साथ में ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। ये हम फेस के आगे की तरफ लगाएंगे पट्टी। पहले हम इसमें एक सेंटर बना लेते हैं। ये पट्टी लगाने के लिए आप बच्चों के ईयर टू ईयर फेस को नाप भी कर सकते हो इंच टेप से। ये हमने इसमें सेंटर बना लिया है। अब इसके 7 इंच इस तरफ और 7 इंच इस तरफ, यानी कि टोटल जो पट्टी है वो 14 इंच की होनी चाहिए। ये पट्टी बन जाएगी और साथ में जो कपड़ा है बाकी का, इसमें से बांधने वाली डोरिया भी बन जाएगी। ये कुछ इस तरीके से रहती है बच्चों के फेस के आगे की तरफ। इससे बांधने वाली डोरिया भी साथ में बन जाएगी और जो पट्टी लगाने वाले हैं वो भी बन जाएगी। आप पहले इन दोनों कपड़ों को एक साथ कीजिए। दोनों कपड़े अंदर की तरफ उल्टे हैं और इसके हमें चारों तरफ या तीनों तरफ सिलाई लगा देनी है। जो सीधी साइड है उस तरफ ना लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है, ताकि कपड़ा है जो इधर उधर ना सरके जब हम इसमें प्लेट डालें। अब इसमें एक सेंटर बना लीजिए, कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए, जो गोलाई वाली साइड है उस तरफ। इस पूरे सा कपड़े में हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे। ये जो हमने 14 इंच की पट्टी कट करी थी, उसमें हमें इस सारे कपड़े को कवर करना है। ये देखिए, 7 इंच में हम ये आधा कपड़ा कट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और ये जो आधा कपड़ा है वो 7 इंच में कवर कर लेंगे। इस तरीके से पूरी गोलाई 14 इंच की हो जाएगी। अब ये जो सीधी साइड है, ये बच्चों के नेक की तरफ रहता है, यानी कि पीछे की तरफ रहता है। तो जो हमने 12.5 इंच की पट्टी कट करी थी वो यहाँ पर लगानी है। तो जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें हम चुन्नट डाल देंगे। ये पीछे की तरफ भी हम चुन्नट इसलिए डालते हैं ताकि जो बच्चों की कैप है वो एकदम खुली खुली रहे, उन्हें कम्फर्टेबल लगे। अगर टाइट होगी तो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी बच्चों को, इसलिए हम यहाँ पर भी प्लेट डालते हैं छोटे छोटे से। अब इस पट्टी को आप ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए। इसे हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं फोल्ड करना है। ठीक है, अब ये जो गोलाई वाली साइड है वहाँ पर हम प्लेट डाल लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत में हमें लगभग 1 इंच पर प्लेट नहीं डालने हैं, यहाँ पर कोई भी चुन्नट नहीं डालनी है। उसके बाद देखिए, ज़्यादा बड़े नहीं तो लगभग 1-1 उंगली के बराबर इस तरीके से चुन्नट डाल दीजिए। बराबर कपड़ा अंदर डालते जाइएगा, आपका कपड़ा अपने आप कवर हो जाएगा अच्छे से। पहले हम आधी दूरी में प्लेट डाल लेते हैं, फिर हम इसको नापेंगे। बराबर प्लेट डालिएगा, ज़्यादा बड़े नहीं डालने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम नाप लेते हैं, बराबर हो गई है लगभग 7 इंच की। अब हम आधी दूरी में भी इसी नाप के और इसी तरीके के प्लेट डाल लेंगे। प्लेट्स की जो साइड है वो हमें चेंज नहीं करनी है, एक ही साइड में रहने देना है। ये जो हम प्लेट डालते हैं ये बच्चों के फेस के आगे की तरफ रहती है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से लगेगी हमारी कैप। अब यहाँ पर हमें वो पट्टी लगा देनी है जो हमने 14 इंच की कट करी थी।
ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा रखा है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इस पट्टी को हमें ऊपर की ओर ही फोल्ड करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब इसमें हम ये पट्टी फोल्ड कर देंगे। देखिए अगर हम अलग से डोरिया लगाते हैं बांधने वाली तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है और यहाँ पर सिलाई लगाना भी अजीब सा लगता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से साथ में ही डोरिया भी लगा लेनी है और पट्टी भी लगा लेनी है। अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। तो बांधने वाला डोरिया इन्हें आप पतले रखिएगा, लेकिन जब ये पट्टी यहाँ पर आए तो इस पट्टी को हमें थोड़ा सा चौड़ा कर देना है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देनी है, इससे लुक अच्छा हो जाता है कैप का। आप भी ये कैप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों के फेस को अच्छे से कवर कर लेती है, इसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है और ये हम कॉटन के कपड़े से बनाते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। अब बांधने वाली डोरी को फिर से पतला कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो टेजर लगा देने हैं, कपड़े को इस तरीके से रखना है और डोरी को इसके बीच में लगाना है। इसे आप गोल कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप बनकर रेडी है। अगर आपने लाइनिंग में कपड़ा अच्छा लगाया है तो आप इसे उल्टा करके भी पहना सकते हो, यानी कि ये कैप दोनों साइड से पहना सकते हो, इस तरीके से बनेगी ये देखिए। क्योंकि इसमें कहीं से भी कपड़े के जो धागे हैं वो बाहर की ओर नहीं दिखाई देते और अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से सेम दिखाई देती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।